ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 6 नवंबर 2020 शुक्रवार का दिन है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। स्कंद षष्ठी का इस दिन व्रत रहेगा। पुनर्वसु नामक नक्षत्र होगा। मिथुन राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो वो पश्चिम दिशा में होंगे, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। यदि किसी कारणवश पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो दही या जौ खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव तुला राशि में, चंद्रमा मिथुन राशि में, मंगल ग्रह मीन राशि में, बुध तुला राशि में, देव गुरु बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र कन्या राशि में, शनि देव मकर राशि में, राहु वृषभ तथा केतु वृश्चिक राशि में विराजित रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष मिथुन वृषभ सिंह तुला और धनु ये 6 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए सबसे खास साबित होगा। कार्यक्षेत्र में उन्नति और प्रगति होगी तथा आर्थिक फायदे के भी नए संकेत इनको प्राप्त हो सकते हैं। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपके लिए दिन बहुत शानदार रहेगा। आपके करियर में आपको कुछ विशेष पदोन्नति का संयोग बन रहा है। आपको मान सम्मान के साथ साथ पद प्रतिष्ठा का भी योग बन रहा है। कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी, प्रगति होगी। जो जैसा चल रहा है वैसा उसको चलने दें और परिवर्तनकारी स्थिति निर्मित होने का बड़ा संयोग बन रहा है। धन लाभ होगा और रुका हुआ पैसा भी आपको अचानक प्राप्त हो सकता है। किसी से उम्मीद अधिक रखना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा और उपाय के रूप में गाय को रोटी और गुड़ खिलाना आपके लिए सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। धन स्थान में आपको लाभ की स्थिति निर्मित हो रही है और आपको कहीं से कोई ऐसी सौगात मिलने वाली है जिससे परिवार में खुशियों का माहौल निर्मित होगा। अच्छे लोगों से संपर्क बढ़ेगा। घर में मेहमान आने से रौनक बढ़ेगी। आज आपको अपने परिवार के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं पर धन खर्च करना पड़ेगा। यात्रा यदि कोई कर रहे हैं या यात्रा का विचार कर रहे हैं तो अभी आपके लिए टालना ठीक रहेगा तथा आमदनी के सोर्सेस आपके बढ़ सकते हैं। उपाय के रूप में शंकर जी के मंदिर में कच्चा दूध चढ़ाना आपके लिए सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 1 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। और अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। दिन आपके लिए बहुत अच्छा है और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं संपन्नताएं आपको प्राप्त होने वाली है। नया सामान की खरीदारी करने में आप व्यस्त रहेंगे। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ काफी निकटता महसूस करेंगे। आर्थिक मोर्चे पर सावधानी ही आपको लाभ दिलवाएगी। आज आप किसी से भावनात्मक रूप से काफी जुड़े रहेंगे। यात्रा का प्रबल योग बन रहा है। मित्र भी आपका सपोर्ट करेंगे। और उपाय के रूप में यदि आप शंकर जी के मंदिर में बिल्व पत्र चढ़ाएंगे तो आपका दिन सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 4 होगा। भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए दिन और समय थोड़ा चिंताकारक लग रहा है। धन की खर्च अधिक होगा, इस कारण आपकी चिंताएं बढ़ सकती है। आमदनी के रास्ते थोड़े से कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन शाम होते होते कुछ ठीक ठाक होने का योग बन रहा है। बिगड़े हुए रिश्ते सुलझने का योग बन रहा है। गुस्सा न करें। नया निवेश यदि आप करने जा रहे हैं या विचार कर रहे हैं तो अभी कुछ समय के लिए स्थगित आपको करना चाहिए। और उपाय के रूप में भगवती दुर्गा जी के मंदिर में नारियल चढ़ाना आपके लिए सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग आपका सफेद होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। दिन आपके लिए बहुत ही शानदार तथा शुभ और लाभदायक रहेगा। आज थोड़ा बहुत आर्थिक बोझ बढ़ने की संभावनाएं लग रही है, लेकिन चिंता से मुक्ति आपको मिल जाएगी। आज आप अति उत्तेजित होने से बचे। व्यापार व्यवसाय में तेजी रहेगी, लेकिन लाभ शाम के वक्त मिलने से आपकी खुशियां और अधिक बढ़ जाएगी। और उपाय के रूप में भगवान विष्णु जी के मंदिर में केला चढ़ाना आपके लिए सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा।
अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। दिन आपके लिए अच्छा है, समय भी अच्छा चल रहा है। आज आपको आवश्यक कामों और वस्तुओं में खर्च करना पड़ेगा, फिर भी आर्थिक व्यवस्था सुचारू रूप से आपकी निरंतर चलती रहेगी। आज आपको सामाजिक अथवा कोई सामूहिक कार्यों में शामिल होना पड़ सकता है और किसी के साथ यदि कोई चर्चा चल रही है या कोई सौदे की बात चल रही है तो वो फाइनल की स्थिति में आने के संकेत आपको मिलने वाले हैं। आमदनी के नए मार्ग आपको मिल सकते हैं। नया काम, नया रोजगार, नई नौकरी के भी आपके लिए संकेत बन रहे हैं तथा रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होने का योग बन रहा है। और उपाय के रूप में भगवान गणेश जी के मंदिर में बेसन की मिठाई चढ़ाना आपके लिए सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 7 होगा, भाग्यशाली रंग जो कि हरा होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। दिन आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा। निजी हित के कार्य पहले और प्राथमिकता से आपको करना चाहिए। अगर कोई व्यापारिक सौदा आपके मन के मुताबिक न लगे तो उसको नकारना या करना ही बेहतर रहेगा, यानी उसके लिए आपको अभी आगे कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहिए, उसको आपको जो है अभी स्थगित रखना चाहिए। निराशा से बचे और पॉजिटिव सोच रखे। आज अपने भावी भविष्य के विषय में शांति से बैठ करके विचार आपको करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न करें। भूमि, भवन, वाहन या कोई भी नए सामान की खरीदी के बारे में आप विचार कर सकते हैं तथा परिवार के साथ में बैठ करके कोई नया निर्णय भी आप कर सकते हैं तथा आपकी नौकरी या व्यापार में भी कुछ आप परिवर्तन करने का सोच रहे हैं और ये परिवर्तन आपको लाभप्रद सिद्ध होगा। और इसके साथ ही आपको रिश्तेदारों से, मित्रों से भी धन लाभ का योग बन रहा है। उपाय के रूप में यदि आप अपने घर से निकलते समय थोड़ी सी मिश्री खाएंगे तो आपका दिन सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा, भाग्यशाली रंग आपका सफेद होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज आपका दिन थोड़ा सा विपरीत जैसा लग रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, शाम होते होते सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। आज आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। किसी से भी वाद विवाद न करें, झगड़ा न करें। पैसा यदि आप किसी से उधार लेने जा रहे हैं या उधार देने जा रहे हैं तो आपको इस वक्त बहुत सावधानी की आवश्यकता होगी, अन्यथा आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। कम बोलने से काम आपके बन सकते हैं। मन में कोई चिंता या बोझ न लाएं। समय का इंतजार आपको करना चाहिए। सही समय की प्रतीक्षा करना ही आपके लिए सफलदायी साबित होगा। और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा, भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर चढ़ाना आपके लिए सफलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। दिन आपके लिए बेहतरीन साबित होगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। जीवन साथी के लिए कोई बड़ा निर्णय लेने का यदि सोच रहे हैं तो कर सकते हैं और आप हंसमुख मिजाज में रहेंगे। नया सामान खरीदने के प्रति आप बहुत उत्सुक रहेंगे। घर को सजाने संवारने के लिए भी आप तैयार रहेंगे। उपाय के रूप में हल्दी का तिलक लगाना आपके लिए सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा, भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए दिन बहुत साधारण रहेगा, लेकिन कुछ भी करो लेकिन सोचे बिना किए तो आपको पछताना ही पड़ेगा। जिद और बहस करने से बचे। जो चल रहा है उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करें। व्यापार, व्यवसाय में, नौकरी में कुछ रुकावटें उत्पन्न हो सकती है, मगर शाम होने के बाद शंकाओं का निराकरण आपको प्राप्त हो जाएगा। और उपाय के रूप में शनिदेव के मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाना आपके लिए सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 4 होगा, भाग्यशाली रंग आपका नीला होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। कोई नया काम शुरू करने के लिए अब आपका जो है काम बन सकता है, यानी जो रुके हुए अटके हुए काम है उनमें भी तेजी आएगी। व्यापारिक संबंधों में सुधार होगा। दूर दराज से शुभ समाचार मिलने का योग है। संतान पक्ष की उन्नति और प्रगति के भी समाचार आपको प्राप्त हो जाएगा। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में पीले रंग का फूल चढ़ाएंगे तो आपका दिन सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा, भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। दिन आपके लिए मिला जुला साबित होगा। बड़े फैसले का दिन आज रहेगा, इसलिए सभी कार्य ध्यानपूर्वक करना चाहिए। शांति और धैर्य से यदि आप काम करेंगे तो निश्चित तौर से एक बड़ी सफलता आपके हाथ लगने वाली है। संतान और परिवार का भी पूरा सहयोग आपके कार्यक्षेत्र में बना रहेगा। उपाय के रूप में बेसन से बनी मिठाई का दान
गरीबों को करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 7 होगा, भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।